की है, ये सारी की सारी चीजें जुड़कर एहसास की खुशबू बनी है। तो ये जो पूरा का पूरा काम है, सारे आर्टिस्ट एक तरह से पूजा डेब्यू कर रही हैं, पंकज भाई का फेथ है उन पर भी, मुझ पर भी। मेरा भी ये तीसरा चौथा एल्बम है, इसके पहले जगजीत जी के साथ आया था, एक अनुष्का के साथ आया था जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ था। लेकिन एक इस तरह से वीडियो बनना और इस स्केल पर वीडियो बनना, ये एक नया, क्योंकि इस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ख़तरे के दौर से गुजर रही है, बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, और ऐसे दौर में एक डेब्यू आर्टिस्ट उसका वीडियो बनना, ये मेरे मुझे लगता है कि म्यूज़िक कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। आप अपना आइडल किसको मानते? मैं बचपन से तीन पोइट्स को फॉलो करता रहा हूँ ऑनेस्टली, डॉक्टर बशीर बद्र, निदा फाजली और गुलजार साहब। बचपन से मैंने इन्हीं को पढ़ा। उसके बाद हमारे क्लासिक्स जो हैं, शुरू करें तो खुसरो कबीर और मीरो गालिब से। पोइट्री की तरफ ज़्यादा, उर्दू पोइट्री की तरफ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा बचपन से। बात करें आलोक की, तो आलोक लिखते शब्द बहुत प्यारा है, इनकी मुझसे कभी आपने कुछ गाना भी सुना है? ये आलोक तहत में पढ़ते हैं और बड़े जोश और खरोश और बहुत बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। और आलोक मेरे ख्याल से व्यक्तिगत जिंदगी में बड़ा गाते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इतना सुरीला ना हो वो इतना अच्छे शेर कह नहीं सकता। लेकिन मंच पे आलोक तहत में पढ़ते हैं, तरन्नुम में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये व्यक्तिगत जिंदगी में खूबसूरत गाते हैं, तो हो सकता है एक दिन इनकी आवाज़ में भी कुछ सुना जाए। अच्छा, वीडियो की बात करें तो वीडियो कहाँ पे आपने शूट किया? लोकेशन बहुत ही प्यारा। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है। ये वीडियो जो है पूरा राजस्थान में शूट हुए हैं, एल्बम पूरा राजस्थान में शूट किया है। दोनों गाने राजस्थान की, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह में, सब जगह अलग अलग लोकेशंस पर शूट किए। अच्छा, तो कुछ सब आप हम तक पहुंचाए, अपने फैंस तक पहुंचाइए। बस तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं क्या कहूँ, ये आलोक के एल्बम का मौका है तो आलोक को ही कहने दीजिए, और आलोक ने जो शेर कहा वो बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती है, इसमें कोई शक नहीं। पूजा, एहसास की खुशबू एक नया एल्बम जी आपने गाया है, उसमें तो क्या कुछ नया है इस एल्बम में, आप बताइए। और आपका पहला गाना है, तो कितना खुशी है और कितना नर्वस थी? नर्वस नहीं कह सकते, एक्साइटमेंट कह सकते हैं। और पहला एल्बम है बाय गॉड्स ग्रेस। मैं मेरे वालदेन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और इतने बड़े लेबल से एल्बम आना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और एक पर्सन है जिनका मैं सिर्फ शुक्रिया अदा, ऐसे वर्ड है नहीं मतलब शुक्रिया अदा करने का, वो है पंकज अंकल, जिन्होंने एल्बम में मेरे साथ ड्यूएट भी गाया है और जिन्होंने लॉन्च भी किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप वीडियो में दिखाई भी पड़ रहे हो, तो ये सारे शूट कहाँ के शूट हैं, कहाँ पे शूट किए हैं? ये उदयपुर में शूट किए गए हैं, यूबी अंकल जवाहर जहाँ पे मौजूद है उनके प्रॉपर्टीज है। बहुत अच्छा। तो गाने की थीम की बात करें तो गाना किस, मतलब ये गाना किस ओर ले जाता है, क्या गाने में क्या कुछ? एहसास की खुशबू ये एल्बम में अलग अलग खुशबू है, इसलिए इसका नाम है एहसास की खुशबू। तो ऐसे पर्टिकुलर थीम लेके नहीं है, बट आपको हर एक वैरायटी मिलेगा। अच्छा, इतने बड़े सिंगर के साथ पहली बार गाना गाना कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है, ड्यूएट गाना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे किसको मानते हो अपना आइडल? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, जो गजल के शहंशाह गजल के कहा जाते हैं। अगली तैयारी कहाँ चल रही है? सॉरी, फिर से अगली तैयारी कहाँ चल रही है, कौन से एल्बम में? बस अभी तो चल रही है, जैसे आएंगे तो आपको पता तो चल ही जाएगा। अच्छा, लास्ट दर्शकों से क्या होगा? प्लीज सुनिए एल्बम और सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आलोक जी की हमने बात नहीं की आपसे, आलोक जी को कितना आप इस एल्बम के लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हो? शुक्रिया अदा के लिए लव्ज़ नहीं है, क्योंकि
इतने इतना अच्छा लिखा है उन्होंने, तुम्हारे पास आते हैं, और उसी में ये लाइन है, तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तो एहसास की खुशबू टाइटल उनके गजल में से ली है। ये दो लाइन, सॉरी सर, नहीं दो लाइन आप अपने फैंस को भेजना दीजिए एल्बम में से। हाँ। तो जो ड्यूएट है वही सुना थे। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं। थैंक यू।